हम एनसीईआरटी का एग्जांपल 8.7 देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन. तो और कोई कार चल रही थी और चलते चलते क्या हुआ, ब्रेक अप्लाई की हमने, और ब्रेक अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, उसने एक्सेलरेट किया. जो उसका एक्सेलरेशन था कितना था, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में. और ये अपोजिट डायरेक्शन में इसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन हम नेगेटिव ले लेंगे, यानी कि वो डेक्सेलरेट कर रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन कर रही है. ओके, इफ़ द कार टेक्स 2 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, तो ब्रेक लगाने के बाद कार रुकी नहीं है, कार 2 सेकंड बाद रुकी है. कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्स ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ये जो 2 सेकंड का टाइम लगा उसको रुकने में, इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया आपसे ये पूछा है. ठीक है, तो देखिए हमें क्या क्या गिवन है. एक तो एक्सेलरेशन दे रखा है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस लगा देंगे हम. ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 2 सेकंड का, और हमें ये दे रखा है कि वो रुक जाएगी. रुक जाएगी का मतलब फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी. अब देखिए हमें इक्वेशन कौन सी लगानी है, हम क्या लिखेंगे, जो जो चीज़ें हमें निकालनी है उनको लिख लेते हैं. ए टी वी और एस हमें निकालना है. ठीक है, तो देखिए ए टी वी एस हमें निकालना है. अब हमारे पास दो ही इक्वेशन है जिसमें क्या आता है, डिस्टेंस आता है. तो देखिए पहला है सेकंड इक्वेशन आपका एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू ए एस. ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर ए है इसमें ए है, यहाँ पर टी है इसमें टी है, वी है इसमें वी नहीं है. ठीक है, एस तो है, तो यानी कि पहली इक्वेशन हम अभी यूज़ नहीं कर सकते. अब देखिए आप पहली मतलब सेकंड इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते. अब देखिए थर्ड इक्वेशन में आपके पास यहाँ ए है टी है, यहाँ पर टी नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड इक्वेशन भी यूज़ नहीं कर सकते. तो हम सेकंड भी नहीं कर सकते, थर्ड भी नहीं कर सकते, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे. तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, हमें इस वाली इक्वेशन के लिए यू ज़रूरी है. ठीक है, इस वाली इक्वेशन के लिए यू ज़रूरी है, और ऐसे ही इस वाली के लिए भी. तो हमें पता है यू निकालना इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन जो है आपकी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, उससे पहले क्या निकालेंगे, यू. उसके बाद इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए और आपको एस मिल जाएगा. तो देखिए ज़रा, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और वी क्या है हमारा 0, यू हमें ढूंढना है, ए ये रहा माइनस 6 और टी क्या है 2. तो ये क्या हो गया, 0 इज इक्वल टू यू माइनस 12, और यू कितना निकल आया, 12 मीटर पर सेकंड. अब ये जो यू निकल का है इसको हम सेकंड इक्वेशन में लगा दिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू कितना है 12, मल्टीप्लाई किया हमने टाइम का 2 प्लस का साइन हाफ, ए की जगह हमने माइनस 6 लिखा और टी स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर. इसको सॉल्व किया तो 12 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 24. ये माइनस का साइन यहाँ दिया होता इसलिए हमने यहाँ माइनस लिख दिया. इसको हम काट देंगे तो यहाँ एक 2 रह गया, यहाँ पर 6 रह गया, तो ये क्या हो गया 12. तो 24 माइनस 12, ये आंसर क्या हो गया, 12 मीटर. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया.